फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चॉकलेट्स एंड मोटर शुपी। आज मैं आपको इको फ्रेंडली गणेश जी की जो मैंने मूर्तियाँ बनाई थी उनको पेंट करना बताऊंगी। और इसके लिए चेक करते हैं पहले कि मूर्तियाँ जो है वो सूख गई हैं या नहीं। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से सूख गई हैं, इनमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए कहीं पर भी, क्योंकि अगर पानी रह जाएगा तो ये ख़राब हो सकती जल्दी। तो ये बिल्कुल अच्छे से सूख गई हैं, इनको मैंने सनलाइट से सुखाया है। तो अब मैं इसमें आगे की प्रोसेस शुरू करती हूँ। मैंने यहाँ पे कलर्स लिए हैं, ये फेविक्रिल हॉबी आइडियाज़ के कलर्स हैं और ये एक्रेलिक पेंट है। तो जिसमें मैंने लिया है वाइट, सैप ग्रीन, क्रिम्सन रेड, गोल्डन येलो, ब्लैक एंड ये पर्ल वाला गोल्डन कलर है। और इसके अलावा मैंने फेविकोल लिया है। मुझे ब्रशेस की ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें मैंने कुछ तो 000 मतलब 0 साइज़ वाले ब्रश लिए, एकदम बारीक वाले, कुछ थोड़े से मोटे लिए हैं और थोड़ा सा पानी ब्रशेस धोने के लिए। और आप एक क्लॉथ या फिर टिश्यू पेपर रख सकते हैं इनको वाइप करने के लिए। नीचे मैंने प्लास्टिक की शीट बिछाई है जिससे कि कलर ट्रांसफ़र ना हो टेबल पे। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश जी को पेंट करना। तो मैं ये दो गणेश जी की मूर्ति हैं जिनको मैं दोनों को अलग अलग तरीके से पेंट करूँगी। एक को मैं पेंट करूँगी पूरी तरह से, पूरा पेंट करूँगी, और एक को मैं सिंपल करूँगी जिसमें बहुत कम एक्रेलिक यूज़ हो जिससे कि वो एक इको फ्रेंडली गणेश जी के तौर पर दिख सके। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि ये जो मैंने मोदक और लड्डू बनाए थे मैं इनको कलर कर लूँगी और नॉर्मल बनाऊँगी चेहरे पे। तो आँखें बनाने के लिए आप पेंसिल से भी आउटलाइन कर सकते हैं सिमेट्री दिखाने के लिए। तो मैं वाइट कलर लूँगी इसमें। आँखों की आउटलाइनिंग के लिए अब हम थोड़ा वाइट कलर और यूज करेंगे इनकी इनके दांत बनाने के लिए। इनके हाथ में हम छोटा सा ओम बनाएंगे, ये मुझे अच्छा लगता है, देखने में सुंदर लगता है। इनका मुकुट रंगूंगी और मुकुट के लिए मैं यूज करूंगी गोल्डन येलो कलर। तो आप देख रहे हो बिल्कुल सिंपल से हैं, एकदम साधारण से बनाए हैं मैंने, इसमें ज़्यादा रंग इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मैं इसको इको फ्रेंडली जो गणेश जी मैंने बनाए हैं उनको मैं इको फ्रेंडली ही रखना चाहती हूँ। तो मैंने इस तरह से इनको डेकोरेट किया है कि ये जो मैंने इनका मोदक बनाया है ये सूख गया है, तो अब मैं इसमें डबल कोट कर दूँगी। गणेश जी तैयार हैं, रेडी हैं, इनको हम अपनी पूजा में बिठा सकते हैं। इनको किसी को आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको किसी को गणेश पूजा के टाइम पे मिठाइयों के साथ कुछ गिफ्ट करना है तो आप इस तरह से गणेश जी बना के अच्छे से पैक करके इनको गिफ्ट कर सकते हैं। इन कलर इस कलर से मैं इनकी गद्दी बनाऊंगी। जो मैंने इनकी गद्दी इस वाले में बनाई थी इसका शेप थोड़ा अलग था, तो मैं इस वाले में इनकी गद्दी बनाऊँगी। मैं इनके धोती रंग रही हूँ, कोई बात नहीं, अगर हाथ में थोड़ा सा रंग लग गया या कहीं और लग गया तो इसको आप बाद में ठीक कर सकते हो। तो अब मैं इसमें गद्दी को ठीक कर दूँ।
ये देखा आपने, येलो कलर सूख गया है और येलो कलर के ऊपर मैं हल्का सा ऐसे क्रीम चला दूंगी और ये ठीक हो जाएगा। अब इनके पैर कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें मैं अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा येलो कलर लूँगी और उसमें हल्का सा रेड कलर मिला करके मैं हल्का सा पीच कलर बनाऊँगी जो कि स्किन के लिए होता है। तो मैंने ये वाले पेंट कर दिए हैं और अब मैं इनको फिनिशिंग दूंगी। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं ब्लैक वाइट कलर से पहले मैं इनकी दांत रंगूंगी और इनके आँखों की जगह पे जैसे मैंने इन वाले गणेश जी के लिए किया था वैसे ही इनको भी करूंगी, आँखें बनाऊंगी। इनका वाला लड्डू पकड़ा दूंगी जैसे मैं हमने मोदक चिपकाया था वैसे ही, थोड़ा सा फेविकोल इनके हाथ में डालेंगे। और लड्डू को ऐसे ऐसे रख देंगे, ये जल्दी सूख जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये देखिए गणेश जी रेडी हैं। तो ये दो तरह के गणेश जी हमने बनाए हैं, एक में कम पेंट यूज़ किया है और एक में हमने पूरा रंगा है। आप दोनों ही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह के गणेश जी आप अपनी पूजा में रख सकते हैं, गणेश चतुर्थी के अवसर पर स्थापना में रख सकते हैं हाथ से बनाए हुए गणेश जी, और किसी को, किसी रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को आप ये गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ज़रूर ट्राई करेंगे अपने घर में भी। ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है और आप कुछ डिफरेंट भी कर सकते हैं जो भी आप गणेश जी बनाए उसमें। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।